यार डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी ने गली बॉयज तो देखी ही होगी, उसमें से हमारे पास जो एक जो सिंगर है यहाँ पर अभिषेक जी मेरे साथ जो यहाँ पे मौजूद है सूरत के अंदर। सर सूरत आए हो, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है सूरत में। मतलब ऐसा एक अलग ही तरह का वाइब है, मतलब जो बॉम्बे में है वैसा नहीं। इधर तो बस के लिए भी अलग लेन है, शेट बहुत अच्छा डेवलप सिटी है सूरत। सूरत और बल्कि मैं सिंगर नहीं, मैं बीट बॉक्सर हूँ। जी और मेरा नाम अभिषेक AKA द बीट स्लेयर, मैं बीट स्लेयर के नाम से जाना जाता हूँ। और मेरा क्रू का नाम है सात बंटाइज और हम लोग धारावी से बिलोंग करते हैं। सर, ये आपको पहला जो ब्रेक मिला यहाँ पे आपने गली बॉयज के अंदर गाना गाया, कैसा लगा आपको? सर मेरा गली बॉय में हमारा उतना कुछ बड़ा सीन नहीं है, बल्कि मेरा सबसे पहला ब्रेक था रजनीकांत का मूवी काला, उसमें मैंने बीट बॉक्सिंग किया था और मुझे एक्टिंग करने का भी मौका मिला था। फिर उसके बाद हम लोग को हिचकी मूवी में मैंने और मेरे क्रूमेट स्कैम ने हम लोग ने बीट बॉक्स और रैप किया था मैडम जी को इसी ट्रैक में। तो गली बॉय हमारा पहला ब्रेक नहीं है, उससे पहले भी हम लोगों को बहुत सारा ब्रेक मिला है मूवी का और हम लोग एडवर्टीजमेंट भी किया है फटे। नेटफ्लिक्स में भी हमारा क्रू का गाना आया अजूबे अजूबे सात बंटा इसका, और आप लोग सब जाके चेक कर सकते हैं। तो आप ये सब ये रैपिंग करते हो, बीट बॉक्सिंग करते हो, तो आपको ये जो यंग जनरेशन है वो आपको कैसे एक्सेप्ट करती है? अभी तो मतलब शुरुआती में तो कोई एक्सेप्ट नहीं किया था। हर एक चीज़ को मतलब जब शुरुआत में कोई भी एक्सेप्टेंस मिलता नहीं है। हम लोग ने जब शुरुआत किया था तभी दिक्कत था, और अभी बच्चे लोग को मतलब जो यंग जो लोग है, बच्चे लोग नहीं सॉरी, जो यंग जनरेशन है वो लोग को आजकल रैप और हिप हॉप का फ्लेवर इतना पसंद है, वो लोग के दिमाग में भी बैठ गया। और अभी तो आपको देखिएगा बच्चा बच्चा भी रैप करना शुरू करता है सर, ये सीन है। सर एक छोटा सा आपको नमूना अगर बीट बॉक्सिंग का आप करके बताए तो। हाँ क्यों नहीं, rubber like a bass and I'm gonna face and I'm gonna pitch a gonna banana banana blaze rubber like a bass and I'm gonna face and I'm gonna pitch a gonna banana banana bass rubber like a bass and I'm gonna face and I'm gonna pitch a like a banana banana bass rubber like a pip 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 rubber like a bass boom सर आपने पहली बार बीट बॉक्सिंग की थी तो आपको कैसा ऐसा लगा कि मैं कोई इसी आर्ट के अंदर आगे चलना चाहिए? मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं शुरुआती बहुत ऐसा सोच के नहीं रखा था कि अपना गोल ये रहेगा वो रहेगा, बस ऐसे ही स्टार्ट किया। अंदर को क्या बोलते, एक अलग तरह का जज्बा था, जज्बा वो जज्बा को लेकर मैं शुरू किया। और शुरू करते करते कभी ये जज्बा जवाबदारी बन गया और कभी ये हम लोग का पैसा आने का सोर्स बन गया, मालूम ही नहीं पड़ा। और मैं इसको कंटिन्यू करते गया, तो बस एक मैं यही बोल रहा हूँ, जज्बा अपने अंदर जो जज्बा आता है उसको कभी छोड़ना मत। आप भी यूथ हो तो जनरेशन को आप क्या मैसेज दोगे? मैंने ऑलरेडी दे दिया, मैं बोला अंदर का जो अपना जज्बा है, जो अपना इंट्यूशन है, उसको कभी गलत मत सोचना। वो जो भी होता है हमेशा सच सही होता है, तो अपना जो अंदर का इंट्यूशन है उसको फॉलो करो और आप बहुत आगे जाओगे। और एक बात, जो अगर आप समझो आप बीट बॉक्सिंग कर रहे हो, अगर आपको बीट बॉक्सिंग में कुछ मिल रहा नहीं, इसके लिए आप रैप करना चाहते हो फिर डांस करोगे, ऐसा कुछ मतलब नहीं। जो भी अगर आप पकड़े हो एक ही गोल पकड़ते हो, अगर आप डांसर हो तो सिर्फ डांस करते जाओ, आपको एंड में ज़रूर उसका मिलेगा, मुकद्दर उसका ज़रूर मिलेगा। अगर आप गाना गा रहे हो तो गाना ही गाते रहो, तो एंड तक आपको गाने में आपको ऑफर मिलेगा, सब मिलेगा। अगर इसमें नहीं हो रहा तो इसमें बाउंस होएगा। ऐसा बहुत सारा लोग हैं जो एक्टिंग करते हैं उसमें नहीं होते तो रैपर बनता है, फिर रैपर उसमें नहीं होगा तो फिर बीट बॉक्सर बनता है, फिर डांसर बनता है। ये वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, और टाइम बहुत महंगा है। जी, यानी आपकी जो कला है वो एक के ऊपर ही आप कंटिन्यू करें और हाँ, उसी के अंदर प्रोग्रेस करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और लोग आपको पहचान लेंगे उसी के, भाई ये बीट बॉक्सिंग कर रहा है या रैपर है। हाँ, राइट। हाँ, सो ये थे अभी अभिषेक जी जो हमारे साथ जुड़े थे, हम फिर वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।